एक ब्रिटिश सिटीजन हूं और यहां इंडिया में इसको जानने और समझने के लिए आया हूं। बहुत सुना था इंडिया के बारे में, एक गरीब लाचार देश, एक असभ्य और एक अशिक्षित देश जहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। ओ साहब जी, कितों आए हो? Man, I'm from UK. ओ विदेशी पंजाब तो आए हो? Vicky, you must understand. India's full of poverty, cows and beggars walking the street. That's India today, now. तो कुछ भी कह ले यार, अपना इंडिया है तो बहुत ग्रेट। जिस दिन यूथ समझ जाएगा ना, उसी दिन हमारा इंडिया बदल जाएगा। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए यहाँ से हम अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुँचा सके। अरे यार, तू करना क्या चाहता है? अब समय आ गया है कि हम दुनिया को बता दे कि हम भी किसी से कम नहीं। जोकर, ताश के खेल का जोकर, जिसके साथ लग जाऊं उसकी किस्मत और सामने वाले की बाजी पलट देता हूं। किस तरह से आपने अपनी जान पे खेल के उन मासूम बच्चों को, बेगिंग गैंग को एक्सपोज करके बचाया? और मैंने वही किया जो हर एक इंसान को करना चाहिए अपने देश के लिए। हमने कभी भी आगे बढ़कर पहल कर किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये है इंडिया, दुनिया को रहने की सभ्यता सिखाई, ये है इंडिया। जो काम हम सबको करना चाहिए वो ये अकेला कर रहा है। अब ये देश ही बताएगा ये सही कर रहा है या गलत। सुपर इंडियन, मेरा करियर बर्बाद किया इसने। देख लो उसकी क्या हालत करता हूँ। गिरफ्तारी का वारंट है भाई इसका। भाई तू चल मेरे साथ। हिंदुस्तान में दो लोगों से हमेशा बच के रहना, एक नेता और दूसरा अभिनेता। एक अकेले आदमी की हिम्मत नहीं होती कि इतने बड़े गैंग को ऑपरेट कर सके। उनके सर के ऊपर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। कहीं भी खड़े रहकर भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। क्या सोच के आए थे तुम कि तुम यूं ही आओगे, दो चार बड़े बड़े धमाके करोगे, पूरे देश और सिस्टम को हिलाकर यूं निकल जाओगे? अगर कानून और व्यवस्था सबके लिए एक समान है ही नहीं, तो बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को।